बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं, खुश हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। मेरा सब्जेक्ट बेटा मैथमेटिक्स है और इस वीडियो में मैंने आपके साथ एलिप्स की जब इसेंट्रिसिटी फाइंड करते हैं तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और उस सिर्फ इसेंट्रिसिटी का अगर MCQ आता है तो हमें काफ़ी वर्किंग करनी पड़ती है। तो उसका शॉर्टकट जो ट्रिक है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप सिर्फ एक स्टेप से उसकी सेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। कॉनिक सेक्शंस चैप्टर 6 पार्ट 2 का है, आपको पता है ओवरऑल कॉनिक सेक्शंस का टॉपिक आप चाहे कैलकुलस में देख लें, चाहे आप FSE पार्ट 2 में देख लें, बेसिकली ये कैलकुलस का ही टॉपिक है कॉनिक सेक्शंस। तो इसेंट्रिसिटी जो है जिस मर्जी लेवल की वो फाइंड कैसे करनी है और उसका शॉर्टकट आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है जी, 9x² माइनस 18x प्लस 4y² प्लस 8y माइनस 23 इज़ इक्वल टू 0। एलिप्स में आपको पता है कि x² और y² के जो कोफिशेंट हैं a और b वो इक्वल नहीं होते, तो ये डिफरेंट हैं, ओके, और ये प्लस में हैं दोनों, तो ये एलिप्स है, ओके जी। अब आपने इसकी सेंट्रिसिटी कैसे फाइंड करनी है? देखें, जो प्रॉपर मेथड है इसेंट्रिसिटी का वो है जी कि इज़ इक्वल टू सी ओवर ए, और यहाँ पर C² इज़ इक्वल टू A² माइनस B² होता है, ठीक है। अब जब आप A² माइनस B² फाइंड करेंगे तो A² और B² के लिए हमें इसको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स में चेंज करना पड़ेगा। जैसे X² ओवर A² प्लस Y² ओवर B² इज़ इक्वल टू 1, या X² ओवर B² प्लस Y² ओवर A² इज़ इक्वल टू 1, जो दो जो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और एलिप्स में आपको पता है कि A इज़ ग्रेटर देन B होता है। तो ये बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, यानी कि उसमें आपको पहले कंप्लीटिंग स्क्वेयर करना पड़ेगा, फिर उस फॉर्म में जाएं। तो आसान भाई तरीका जो यही है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि जी E इज़ इक्वल टू 1 माइनस करना आपने, और X² और Y² के जो कोफिशेंट हैं उनको देखना है, और उन दोनों में से जो छोटा कोफिशेंट स्मॉल जो कोफिशेंट होगा उसको ऊपर आपने लिखना है। जैसे 4 इज़ लेस देन, मैं यहाँ पे इज़ इक्वल टू 1 माइनस Y² का जो कोफिशेंट है 4, वो 9 से लेस है, तो यह जाएगा 1 माइनस 4 ओवर 9 और होल स्क्वेयर रूट। इसको आप सोल्व कर लें बस, और ये आंसर बन जाएगा इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास 9 माइनस 4 ओवर 9, तो ये आ जाएगा स्क्वेयर रूट 5 बाई 3। बेसिकली ये जो शॉर्टकट है बेटा वो इसी फार्मूले से जनरेट हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इज़ इक्वल टू सी की जगह पे A² माइनस B² स्क्वेयर रूट लिख दूँ ओवर A लिख दूँ, ठीक है, फिर मैं इसी को A² माइनस B² ओवर A² स्क्वेयर रूट लिख दूँ, और फिर इज़ इक्वल टू 1 माइनस B² ओवर A² लिख दूँ, तो देखें वहीं से ये फार्मूला जो है वो मैंने जनरेट किया है, बनाया है। तो ये याद रखने की ज़रूरत, मतलब आपके जहन में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये कहाँ से फार्मूला बना है। बाकी जनरल आपने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, इज़ इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल कोफिशेंट ओवर लार्ज कोफिशेंट, ओके, ग्रेटर कोफिशेंट। तो इसको सॉल्व कर लें, स्क्वेयर रूट 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। अगर कोई ऐसी फॉर्म में है X² ओवर 9 प्लस Y² ओवर 4 इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आप देखें तो जो स्मॉलर है वैल्यू वो B² 9 है ना, सॉरी B² जो है वो 4 है और A² जो है वो 9 है। तो आप इसको लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू 1 माइनस आपके पास 4/9, यानी कि B² ओवर A², ओके। इसको सॉल्व करें तो 9 माइनस 4 ओवर 9 दोनों का स्क्वेयर रूट लिया, तो ये आ जाएगा 5√3। इस तरह से आप इसेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप लोग चल पड़ेंगे, अब सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे 9x² प्लस Y² इज इक्वल टू 18 है, तो इसेंट्रिसिटी क्या बनेगी? 1 माइनस 1 ओवर 9, Y² का कोफिशेंट जो है वो लेस है, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 1 ओवर 9,
ये आ जाएगा 8/9 स्क्वेयर रूट। इसको मज़ीद आप सिंपलीफाई करें तो 2√2/3 आ जाता है। 9 का स्क्वेयर रूट 3 और 8 का जो स्क्वेयर रूट है 4 2 = 8, और 4 को स्क्वेयर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 बन जाएगा, 2√2। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो e इज़ इक्वल टू 1 माइनस, देखें x स्क्वेयर का कोफिशेंट 1 है और y स्क्वेयर का कोफिशेंट 4 है, तो 1 माइनस 1 ओवर 4। इसको सॉल्व कर लें, 4 माइनस 1 ओवर 4, तो ये 3√2 आ जाएगा। 4 का स्क्वेयर रूट जो है वो 2 आ जाएगा बेटा। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखते हैं तो ये बन जाएगा बेटा e इज़ इक्वल टू 1 माइनस। अब आप लोग कहेंगे सर जी बाकी क्वेश्चन हम खुद कर लेंगे, तो मैं आपके लिए भी क्वेश्चन छोड़ूंगा। तो 1 माइनस 4 ओवर 25 स्क्वेयर रूट, ये आ जाएगा 25 माइनस 4 ओवर 25, यानी कि 21 स्क्वेयर रूट बाय 5 आ जाए। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व किया, 25 माइनस 4 21 स्क्वेयर रूट बाय 5। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो सेम इसी पैटर्न से करते जाएं सॉल्व। 1 माइनस 4 ओवर 16, स्मॉल जो कोफिशेंट है वो है 4 और जो बड़े वाला कोफिशेंट है वो है जी 16। 1 माइनस 4 बाय 16, इसको सॉल्व किया, 16 माइनस 4 ओवर 16, ये आ जाएगा 12 ओवर 16 बेटा। इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या बनेगा, 2√3 बन जाएगा ओवर 4, बल्कि आप इसको √3/2 डायरेक्ट भी इसको 4 पे कट करें। और ये देखें, पहले आप इसको लिखें 4 पे कट कर लें, 4 3 = 12, 4 4 = 16, तो √3/2 भी लिखा जा सकता है। ओके जी, अब देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, या चलें एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, 8 आप लोगों ने खुद करना है जी, तो चलें 7 मैं करवा देता हूँ। इसका आंसर जो है ना वो आपने बताना है मुझे। 1 माइनस 25 ओवर 36, इसको सॉल्व किया, 36 माइनस 25 ओवर 36, और ये बन जाएगा आपके पास 11√6। ओके जी, तो कुछ बच्चे इसको जो है ना वो बता भी रहे होंगे कि इसका ये आंसर है, तो आपने कमेंट में जो है ना वो आंसर मुझे लिखना है। ओके जी, तो ये बड़ा शॉर्टकट मेथड था एलिप्स की सेंट्रिसिटी फाइंड करने का, तो बाकी यह है कि इस तरह के और शॉर्टकट लेकर आपके साथ हाजिर हूँगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।